चलिए, पिछली क्लास में हमने एक बात पढ़ी थी और उसमें ये पढ़ा था कि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, ठीक है, और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ हमने पढ़ा था ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी, कोनी, स्नेह, प्रभा ही कुटी होगी आज आऊं। यहां से यहां तक मैंने कहा था स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये लेड तक यहां तक कहा था माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, कॉपर से यहां पर आए थे तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? अब मैंने ये भी बताया था कि ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है और अगर डाउन द सीरीज जाते हैं, डाउन द सीरीज जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, डाउन द सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज, और ऊपर जाने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज। इसलिए जो ऊपर वाले थे वो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट थे और जो नीचे वाले थे वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट थे। क्लियर सबको? अब नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्या होते हैं, ये आपको कल बताया गया था कि ऐसे एसिड जिनका एनायनिक पार्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव नहीं करता। आराम से समझेंगे दोबारा से, ऐसे एसिड जिनका एनायनिक पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता, उन्हें क्या कहा जाता है? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। अब जो आता है अगला, ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स उन्हें कहा जाता है जो अपना एनायनिक पार्ट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कराते हैं, यानी ऐसे एसिड जिनका एनायनिक पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब उसके जो एग्जाम्पल हमने कल लिखे थे वो था कंसनट्रेटेड HNO3 70%, कंसनट्रेट के बाद डाइल्यूट HNO3 20%, वेरी डाइल्यूट HNO3 जो था वो 6%, ठीक है। तो अब हम कंसनट्रेटेड HNO3 की रिएक्शनें पढ़ेंगे। ये 15th ग्रुप आ गया है आपका, समझ गए? ये हम 15th ग्रुप में एंटर कर गए और 15th ग्रुप का एक कंपाउंड हमने स्टडी करना शुरू कर दिया जिसका नाम है HNO3, और HNO3 की हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं सारी। क्लियर सबको? तो आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अब हम 15th ग्रुप में आ चुके हैं, ठीक है। और 15th ग्रुप जो है उसका हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? HNO3, और HNO3 के अंदर भी हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस। तो यहां पर आई बात M प्लस, अब जो HNO3 था वो तीन थे, पहला वाला कौन सा था? कंसेंट्रेटेड HNO3 70%, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर होता है आपका डाइल्यूट HNO3, ये आपका 20% होता है, और फिर होता है आपका वेरी डाइल्यूट HNO3, ठीक है, और ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कंसनट्रेटेड HNO3 70% है, डाइल्यूट HNO3 20% है, और ये 6% है। ये होता है आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये होता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर आपका बनता है ये Na2, यहां बनता है N2O, और यहां बनता है NH4NO3। वैसे बनेगा पहले अमोनिया, और वो अमोनिया जो होगा बेस होगा, वो अमोनिया इस एसिड के अंदर ही जो HNO3 दिख रहा है इस एसिड से रिएक्ट करेगा, और अमोनिया इस HNO3 से रिएक्ट करके क्या बना देगा? NH4NO3। अब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये +4 है, ये +1 है, और ये -3 है। क्लियर सबको? तो अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ तो आपके +4 आ रही है, +1 आ रही है, और -3 आ रही है। यहाँ जो मेटल लिए जाएंगे वो अबव लेड लेंगे, लेड से ऊपर वाले, क्योंकि लेड इनकी तरह की रिएक्शन देता है, ठीक है। तो अब मेरा सवाल यहां पर है, पढ़ाएंगे ये सब कौन से वाले हैं? अबव लेड, ये कौन से वाले हैं जल्दी बताओ? अबव
लेड। चल अभी इधर देखते हैं, अगर मैं नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो वो होती है आपका माइनस, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज निकालने का एक फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला आपका होता है, बोलो। हाँ, एन माइनस ए टू एन, जहां पर एन जो है वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मेरे से अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताओ, पांच। तो यहां पर वैल्यू पुट करोगे आप तो क्या आएगा, ये माइनस थ्री से प्लस फाइव, तो यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर और प्लस फाइव, ये होती हैं माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, ये इसकी रेंज है। अब यहां पर आप समझना क्या समझना है आपको, कि अगर मेरे को बचपन में ऐसे पढ़ाया गया था कि कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो दूसरे को ज्यादा ऑक्सीडाइज करता है, कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो दूसरे को कम ऑक्सीडाइज करता है ना। दोबारा से सुनना, अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो दूसरे को बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा और खुद बहुत, बोलो, बहुत ज्यादा रिड्यूस होगा, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज भी ज्यादा करेगा और रिड्यूस भी खुद होगा। अब यहां पर अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो यहां नाइट्रोजन देखो, HNO3 के अंदर जो नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है वो कितना दिखाई दे रहा है, प्लस 5। अगर नाइट्रोजन प्लस 5 है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो खुद जो है वो क्या हो रहा है, बहुत कम रिड्यूस हो रहा है, क्या रहा? बहुत कम, जबकि होना क्या चाहिए था, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहां जो रिडक्शन होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, बहुत ज्यादा रिड्यूस होना चाहिए था। अब बहुत ज्यादा रिड्यूस होना चाहिए था तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आना चाहिए था, माइनस 3। ये यानी ये प्रोडक्ट यहां होना चाहिए था और ये प्रोडक्ट यहां होना चाहिए था, क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो बहुत कम रिड्यूस होगा तो प्लस 4 यहां आना चाहिए था और ये यहां आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, ऊपर NO2 बन रहा है और यहां NH4NO3 बन रहा है। तो हम क्या समझ रहे हैं बताओ, हम ये समझ रहे हैं, जो डाउट हमारा है उसको समझना आप। हमारा डाउट ये है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है, तो इस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस होना चाहिए और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 5 से माइनस 3 होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर वीक रिड्यूसिंग एजेंट लिखा है तो इसका मतलब समझते हैं आप, वीक रिड्यूसिंग एजेंट बहुत कम रिड्यूस होगा, बहुत कम रिड्यूस होगा, तो यहां पर आपका प्लस 4 वाला आना चाहिए, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो रहे हैं। अब आप ऐसा क्यों हो रहा है वो आपको बताना है। चलो इसको समझते हैं, जैसा मैं क्लास में समझाता हूं, अगर आपको वो एग्जांपल देता हूं तो प्लीज माइंड नहीं करें, वो आपको फील दिलाने के लिए बनाया गया है। यहां पर अपन 70% HNO3 को ऐसा फील करेंगे कि 7 डॉग्स हैं, ठीक है, कुत्ते, 70 कुत्ते खड़े हुए ऐसे मान के चलते हैं अपन। अब जो एलिमेंट हम ले रहे हैं वो जिंक है मान लो, और तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 रोटी मान लेते हैं, ठीक है। अब आप फील करना कि जब आप ये 2 रोटी 70 कुत्तों में ऐसे उछालोगे और वो रोटी जब नीचे गिरेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो कुत्ते होंगे वो उस रोटी को झपटेंगे, जब वो झपटेंगे तो कुछ कुत्तों के पास रोटी का टुकड़ा ज़्यादा गया, कुछ के पास कम गया, कुछ के पास बहुत कम गया, जिसके पास ज़्यादा गया वो वापस, जिसके पास नहीं गया वो छीन रहा है। ये इमेजिनेशन आप कर पा रहे हैं पहले बताओ, ये इमेजिनेशन हो पा रही है? इमेजिन करो 70 डॉग्स आपके सामने हैं, आपने 2 रोटी उछाली, 2 रोटी उछालने के बाद जो सीन हो रहा है, इमेजिन करो उस चीज़ को कि वो जो रोटी होगी उसमें से कुछ टुकड़ा कुत्ते ने लिया ज़्यादा, किसी ने लिया कम, ठीक है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं आया। तो मोस्ट ऑफ द जो डॉग्स होंगे वो ऐसे होंगे जिनके पास वो रोटी नहीं गई है, तो वो क्या करेंगे, जिनके पास नहीं गई है वो छीनने की कोशिश करेंगे, जिनके पास है रोटी उसमें से, ठीक है, छीनने की कोशिश करेंगे, तो जो रोटी का टुकड़ा बड़ा था वो और छोटा हो जाएगा छीनते 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 छीनते। फील आ रही है कुछ? इसी तरह से
जब कोई HNO3 की बात करें तो 70% HNO3 रखा हुआ है सामने, और यहां से एक एलिमेंट जिंक ने अपना क्या दिया, इलेक्ट्रॉन 2 रिड्यूस करने के लिए। अब ये दो इलेक्ट्रॉन वहां गए, तो दो इलेक्ट्रॉन जैसे ही वहां गए तो वो इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करते समय जो आपका इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होगा वो अलग अलग होगा। यानी कि जब HNO3 रिड्यूस होगा तो उस सोल्यूशन में हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट NO बन जाए, कुछ प्रोडक्ट NO2 बने, कुछ प्रोडक्ट NH3 बने, कुछ प्रोडक्ट N2O3 बने, समझ रहे हो, कुछ प्रोडक्ट N2O बने, लेकिन मोस्ट ऑफ द HNO3 अभी भी पड़े हुए हैं। अब ये HNO3 एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये HNO3 जो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इन NO को भी ऑक्सीडाइज करेंगे, N2O को भी ऑक्सीडाइज करेंगे, अमोनिया को भी ऑक्सीडाइज करेंगे, जितना भी प्रोडक्ट है उन सबको ऑक्सीडाइज करते रहेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो सबको ऑक्सीडाइज करते रहेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज होंगे ऐसे, और ये जो प्रोडक्ट बना वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो वो HNO3 को कम रिड्यूस करेगा, तो कम रिड्यूस करेगा तो इसका मतलब HNO3 प्लस 5 से प्लस 4 में ही जाएगा। ये और ज़्यादा ऑक्सीडाइज करेंगे इन प्रोडक्ट को जो बने, तो ये भी आपके ऑक्सीडाइज होकर के थोड़ा और ऊपर जाएंगे, तो मेजर प्रोडक्ट जब दिखेंगे अपन पूरे सॉल्यूशन का तो प्लस 4 वाला दिखाई देगा, और प्लस 4 वाला इसका प्रोडक्ट जो है वो NO2 है। क्या है? NO2। तो ये आपका रीजन होता है कि यहां पर आपके इस प्रोडक्ट के साथ 70% के साथ NO2 बनेगा। अब जरा 20% पर आप फील लो, 20% मतलब आप 20, पहले 70 थे और अब 20 हो गए, तो दो रोटी जब जाएगी तो कुत्तों के पास ज़्यादा जाएगी पहले के रेस्पेक्ट में, और जो HNO3 है खूब सारे वो अब कितने रह गए, 20 इलेक्ट्रॉन गए 20 HNO3 के पास, तो पहले के रेस्पेक्ट में ज़्यादा गए यानी ज़्यादा रिड्यूस हुआ। अब जो HNO3 है वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज कर नहीं सकता क्योंकि HNO3 बहुत सारा नहीं है, ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता ज़्यादा, इसका मतलब प्लस 4 तक तो जाएगा नहीं, इसलिए प्लस 1 में रह जाता है। अब जब 6% पर आओगे आप तो 6% में तो बहुत ही कम रह गए, जो भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करने के लिए देगा तो वो सारे रिड्यूस हो जाएंगे आराम से, मतलब रिडक्शन का जो रेट होगा या टेंडेंसी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, और अब ऑक्सीडाइज करने वाला कोई है नहीं क्योंकि 6% ही रह गया HNO3, इसलिए यहाँ पर सबसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बना -3। अब आप मेरे से ये नहीं पूछ सकते कि NO2 ही क्यों बना या N2O ही क्यों बना, यहाँ पर NH4 NO3 ही क्यों बना। मैंने यहाँ पर ये नहीं समझाया कि क्यों बने, मैंने ये समझाया कि ये अगर बन रहा है तो यहाँ पर ये तो नहीं बन सकता यहाँ पे, और ये अगर यहाँ बन रहा है तो ये यहाँ नहीं बन सकता। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। मैंने कहा ना NO भी बन सकता था, लेकिन यहाँ मैंने ये नहीं बताया कि NO बनेगा N2O बनेगा, ये मैंने यहाँ पर ही बताया कि ये यहाँ बन रहा है और ये यहाँ बन रहा है तो क्यों, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनता है वो तो कंसंट्रेशन जिसकी ज़्यादा होगी उससे डिफाइंड करने के बाद हमें बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, शुरू करते हैं अपन। तो अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर पहला सवाल वो बोलेगा जिंक, जिंक की कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन, तो प्रोडक्ट बताओ आप फटाफट, जिंक नाइट्रेट प्लस NO2। अगर मेरे से बोले जिंक की डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन, तो आप क्या बोलेंगे, जिंक नाइट्रेट प्लस N2O। अगर मैं बोलूं आपके जिंक की वेरी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन, तो आप बोलेंगे जिंक नाइट्रेट प्लस NH4NO3। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जिंक जो होता है वो इसमें आ रहा है, यानी कि अबव लेड है जिंक, जिंक की जो पोजीशन है वो अबव लेड है, और अगर जिंक की पोजीशन अबव लेड है, बोलो, जिंक की पोजीशन अगर अबव लेड है तो इसका मीनिंग क्या निकला, जिंक की पोजीशन अबव लेड है इसका मतलब जिंक सारी रिएक्शन ये देगा। तो जरा हवा में करें, बार बार कौन लिखेगा इतना, जिंक प्लस कंसंट्रेट HNO3 एरो लगाओ तो क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट प्लस NO2, डाइल्यूट से कराओ तो क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट प्लस N2O, वेरी डाइल्यूट से कराओ तो क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट प्लस NH4NO3। अब लेड से ऊपर कितने एलिमेंट है जरा देखो, इसको छोड़ दो तो 14 एलिमेंट है, 14 एलिमेंट है, और ये कितने लिखे हुए, 3, तो 14 इंटू 3 करो 42 रिएक्शन एक मिनट में गारंटी के साथ याद हो गई आपको, अगर आपको ये सीरीज याद है तो, क्योंकि सीरीज के अंदर ही आपको बस ये देखना कि कौन किसके ऊपर है और कौन इसके ऊपर। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वापस से, तो कोई भी एलिमेंट ले लो अब, चलो ठीक है, जिंक के अलावा अगर मैं सपोज कोई और एलिमेंट लेता हूँ, तो और एलिमेंट में अभी एक कैटेगरी और बची है, और वो है हाइड्रोजन से नीचे वाले और लेड। ठीक है, तो अब सवाल यहाँ पर आ रहा है कि वो क्या बनाएंगे,
तो देखो वो क्या बनाएंगे, यहां पर देखो आप ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस फोर और यहां प्लस टू है। अब हमें यह समझना है कि, ध्यान से समझना ठीक है, मेरा एक सवाल यहां पर यह है कि जब आपने बिलो लेड या लेड लिए तो क्या हुआ, तो बिलो लेड और लेड अगर लिए आपने तो उस कंडीशन में क्या हुआ बोलो, उस कंडीशन में यह हुआ कि जो अब एलिमेंट आए हैं वो पहले के रेस्पेक्ट में क्या आ गए, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, क्या आ गए, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, क्या आ गए जल्दी बताओ, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। अब वापस सोचो 70% HNO3 खड़े हैं और अपन ने यहां से इलेक्ट्रॉन भेजे, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो उनका अमाउंट कम है यूं मान लो, या वो कम रिड्यूस करेंगे, कम रिड्यूस करेंगे तो HNO3 फिर से बहुत सारे हैं तो वो बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज कर लेंगे, बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज करेंगे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम क्या है, NO2। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं 20% में प्रोडक्ट चेंज हो गया उधर से, देखें क्यों, अब जो इलेक्ट्रॉन गए 20% के पास, फील लेना वो उनकी रिड्यूसिंग पावर कम है तो वो कम रिड्यूस करेंगे, तो यानी कि HNO3 जो होंगे थोड़े से पहले के रेस्पेक्ट में थोड़े ज्यादा होंगे इसलिए वो ज्यादा ऑक्सीडाइज करेंगे, तो यानी कि कम, ये हमें दिमाग में समझ आया कि ज्यादा ऑक्सीडाइज करेंगे तो +1 से ज्यादा होगा लेकिन +4 से तो कम होगा, +1 से ज्यादा है +4 से कम है, +1 से ज्यादा है +4 से कम है, तो यानी एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो +1 से ज्यादा होगा +4 से कम होगा, लेकिन कौन सा होगा ये मैं नहीं बता सकता, ये एक्सपेरिमेंट से पता चला, और वो कौन है, NO। क्लियर, थर्ड वाले पे आते हैं, थर्ड वाले में 6% है वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये वाले सारे यहां लिखा हुआ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अपने आप ही समझ में आ गया कि वीक वीक रिएक्शन नहीं होगी, क्लियर। लेकिन कभी भी कोई वीक होता है तो हम टेम्परेचर बढ़ा के, क्या बोला, अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही हो तो हम टेम्परेचर बढ़ा के उस रिएक्शन को करवा सकते हैं, क्लियर। टेम्परेचर बढ़ाने पर पोटेंशियल बढ़ जाता है, कल बताया था मैंने जब वाटर वाली रिएक्शन बढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही हो तो आप टेम्परेचर बढ़ा दो, और उस टेम्परेचर बढ़ाने से अगर उसका पोटेंशियल बढ़ गया तो वो रिएक्शन हो जाती है, नहीं दिख रहा, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपसे रिएक्शंस में क्वेश्चंस पूछ रहा है, पहला कॉपर की रिएक्शन कराओ फटाफट, तो कॉपर की रिएक्शन अगर कंसंट्रेटेड HNO3 से कराएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2, लेकिन अगर वहीं कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कराएंगे तो बनेगा वापस बोलो कॉपर नाइट्रेट प्लस NO, और अगर कॉपर की वेरी डाइल्यूट से करा देंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, क्लियर। लेकिन अगर वहीं पर अपन कॉपर की डाइल्यूट H2SO4 से कराएं तो क्या रिएक्शन होगी, सोचो कॉपर की डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन में क्या बनेगा, कल ही तो बताया था कॉपर सल्फेट प्लस SO2, किस किस को याद है जरा देख के बताओ फटाफट जल्दी से, यहां पर कुछ नहीं बनेगा, यही आईडी है, कल बताया था नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड जो भी होते हैं वो रिएक्ट करके H2 गैस देते हैं, लेकिन एलिमेंट कौन सा होना चाहिए, हाइड्रोजन से ऊपर वाला, यहां देख के बताओ ये कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा, कॉपर अगर नीचे आ रहा है तो यहां रिएक्शन नहीं करेगा ये, तो यहां डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन नहीं हो रही है लेकिन डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन हो रही है, ये बात आपके दिमाग में बैठी या नहीं बैठी, क्या डाइल्यूट HNO3 से कॉपर रिएक्ट कर सकता है लेकिन डाइल्यूट H2SO4 से नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि डाइल्यूट HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और डाइल्यूट H2SO4 जो है एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड हाइड्रोजन से नीचे अगर है एलिमेंट तो रिएक्ट नहीं करता। तो ये इस तरह के सवाल आपके समझ में आ रहे हैं, कई बार हमें डाउट नहीं आता, सर ये कॉपर जो है वो डाइल्यूट HNO3 से तो कर लेता है, सर ये डाइल्यूट H2SO4 से क्यों नहीं करता, तो फिर हम क्या करते हैं, स्कूल के अंदर अगर पढ़ते हैं या कहीं और पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, बेटा याद कर लो इसको, यही बोला जाता है ना, लर्न कर लो रट लो इनऑर्गेनिक है रट लो इसको, तो कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3 क्यों कर रहा है, कॉपर प्लस डाइल्यूट H2SO4 क्यों नहीं कर रहा है, ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। क्लियर सबको,
चलिए अब अगला देखो, एक सवाल उसने पूछा है कि जब जिंक प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट करता है तो आपके पास जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 बनेगा, और वो कह रहा है कि टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है ये। पहला, एक तो अपन ने अभी अभी बड़ा रेडॉक्स एसिड बेस, तीसरा बॉथ, चौथा नन। चलो बताओ फटाफट, आपसे सवाल पूछेगा तो क्या आंसर इसका, जल्दी से बताएं। इसके ऑप्शन टिक करना, 1, 2, 3, 4 ऐसे। यस, वेरी गुड, बॉथ। अब ये कैसे हुआ वो समझते हैं अपन, ठीक है, देखना जरा। कंसंट्रेटेड एचनो3 जब रिएक्ट करता है तो सबसे पहले इस तरह से वो टूटता है, NO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन एक अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, तो वो जिंक इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, ZnO। क्या बना लेता है, ZnO। अब ये ZnO आपको पता है क्या होता है, मेटल का ऑक्साइड है। अगर मेटल जिंक के अलावा होती तो मेटल के ऑक्साइड बेस होते हैं। HNO3 क्या होता है, एसिड। अब यहाँ जिंक की बात कर रहे हैं तो जिंक एम्फोटेरिक है, और आप सबको बताएगी जो एम्फोटेरिक होता है वो एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है। ये कल भी बताया था, पंजाब अली गाना सुनाऊं कार में, तो जिंक है ये, तो ये इससे रिएक्ट करके क्या बना लेगा, जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O। अब आप इसको पूरे को नेट बैलेंस करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और जिंक बचेगा, साथ में क्या बचेगा, HNO3। तो ये जिंक क्या बनाएगा, नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O। क्लियर, तो जिंक प्लस HNO3 एरो जिंक नाइट्रेट NO2 प्लस H2O बना। तो ये पूरी रिएक्शन में अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पर इसका प्लस 5 था, ये टूट के प्लस 4 में आया, ये 0 था, और ये आपका प्लस 2 में आया। यहाँ रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये जो रिएक्शन हुई वो क्या हुई, रेडॉक्स, और ये वाली नीचे वाली क्या हुई, एसिड बेस। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो फाइनल प्रोडक्ट इन दोनों रिएक्शन के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। दोबारा बोलो, जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो बोलो, जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। क्या बोला जल्दी बताओ, मैंने जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे तो दोनों टाइप की हुई नहीं हुई, बोलो, तो दोनों टाइप की हुई, बोथ। तो आपसे सवाल पूछेगा तो आप बता देंगे। चलिए, अब हम बात कर रहे थे टिन। अभी हमने कहा कि जितने भी एलिमेंट होते हैं अगर हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं तो वो रिएक्ट करके कंसंट्रेट HNO3 से टिन नाइट्रेट, सॉरी मेटल नाइट्रेट और NO2 देते हैं। डाइल्यूट से रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट प्लस N2O देते हैं। वेरी डाइल्यूट से रिएक्ट करते हैं तो मेटल नाइट्रेट प्लस NH4NO3 देते हैं। पर जो टिन होता है उसकी अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 से कराएं तो कंसंट्रेट HNO3 रिएक्ट करने पर ये आपका मेटास्टेनिक एसिड बनाता है प्लस NO2। टिन की रिएक्शन अगर डाइल्यूट HNO3 से करा दें तो ये रिएक्ट करके आपके बनाता है टिन नाइट्रेट प्लस N2O बनना चाहिए था, लेकिन N2O की जगह यहां पर NH4NO3 बनता है, ठीक है। और अगर टिन की वेरी डाइल्यूट से कराएं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वेरी डाइल्यूट से आप सबको पता है क्या बनता है, तो आपको एक तो ये प्रोडक्ट में चेंज हुआ और एक ये हुआ, तो दो चेंज आपको याद होने चाहिए। और ये मैंने आपको जब टिन पढ़ा रहा था तो टिन की रिएक्शंस में बताया था, आया ना, क्या बताया था बताओ, कि टिन की रिएक्शन जब पढ़ाई थी कंसंट्रेट HNO3 मेटास्टेनिक एसिड बना था, टिन की डाइल्यूट से कराई थी तो NH4NO3 बना था, याद आया। ये देखो मैंने कहा था रिवाइज हो जाएगा, पंजाब अली गाना सुनाओ कार में, इनके जितने भी ऑक्साइड्स
और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो सब एम्फोटेरिक होते हैं। तो ये जिंक था, तो जिंक का ऑक्साइड भाई, एक ये जो आपने लिखा कि सर वो एम्फोटेरिक वाली ट्रिक बताइए प्लीज़, मैंने बता दिया, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको अगर ये नहीं पता है तो इससे पिछले वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें सब बताया गया था, है ना। ये रिएक्शन है आपकी टिन की, याद हो गई, जितने भी ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड से एम्फोटेरिक होते हैं इनके, तो टिन वाली रिएक्शन। अब क्रोमियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन, जब ये कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करते हैं तो ये अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं अपने ऑक्साइड्स की। क्रोमियम, एल्यूमिनियम और आयरन, आयरन का केस अभी बताऊंगा कैसे, NCERT में सिर्फ क्रोमियम और एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, ठीक है। आयरन भी है, लेकिन आयरन 80% कंसंट्रेटेड HNO3 से, थोड़ा ज़्यादा लेना है आपको HNO3, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप इन तीनों की रिएक्शन कराते हो तो फर्दर रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी कि ये नाइट्रेट्स वगैरह नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते ये पूछेगा, तो आपको बोलना है कि जब ये रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद अपने ही ऑक्साइड, क्या बोला जल्दी बताओ, अपने ही ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अपने ही ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। जैसे ये तो बनाता है Cr2O3 की, ये बनाता है L2O3 की, और आयरन जो बनाता है वो Fe3O4 की बनाता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आयरन लिया आपने और यहाँ कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया 80%, ठीक है, ये 80% लिया, 80% लेने के बाद आप देखेंगे तो ये जो Fe है, इस Fe के ऊपर ये प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी Fe3O4 की, इसे पैसिव लेयर कहा जाता है। पैसिव लेयर का मतलब होता है इनएक्टिव लेयर। पैसिव लेयर का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ, एल्यूमिनियम क्रोमियम Fe, ठीक है, तो ये आपका पैसिव लेयर बना लेगा, इनएक्टिव लेयर, क्लियर। अब देखो इधर, अब अभी तक हमने HNO3 के बारे में पढ़ा, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि 70% वाला ऑक्सीडाइजिंग, 20% वाला ऑक्सीडाइजिंग, 6% वाला भी ऑक्सीडाइजिंग, लेकिन 6% से कम अगर कंसंट्रेशन कर देंगे तो HNO3 फिर हो जाएगा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, और अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड हो गया तो कौन सी गैस निकालेगा देख के बताओ, तो आपको पता है नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है तो H2 गैस निकलती है। तो अगर आपसे सवाल पूछे, आपसे सवाल पूछे कि दो दे देगा, जैसे एलिमेंट दे दिया उसने, मैग्नीशियम लिख दिया या मैग्नीज लिख दिया, और आपसे कह दिया वेरी डाइल्यूट HNO3, और यहां लिख दिया उसने 2%, और बोला प्रोडक्ट बताओ, तो अब दिमाग की बत्ती जली मेरी, यहां पर लिखा 2%, 2% मतलब क्या हो गया, लेस, 2% मतलब क्या हो गया, लेस, 2% मतलब क्या हो गया, बोलो, लेस, वेरी वेरी लेस, यानी कि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड हो गया ये, और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड हो गया तो ये अपने अपने क्या बना लेंगे, नाइट्रेट प्लस NO2, सही है, गलत, यहाँ पर NO2 नहीं बनेगी बल्कि क्या बनेगी, H2, क्यों बनेगी H2, क्योंकि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं ये जल्दी बताओ, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड की तरह, क्लियर सबको। चलो अब नोबल मेटल्स जो होते हैं, क्या बोला मैंने, नोबल मेटल मतलब होता है जैसे गोल्ड और प्लेटिनम, अगर इनकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 से करें तो ये रिएक्ट नहीं करते, गोल्ड और प्लेटिनम जो होते हैं वो कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट नहीं करते हैं, बट एक्वारेजिया से रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके क्या हो जाते हैं, सॉल्यूबल, एक्वारेजिया से रिएक्ट करके क्या हो जाते हैं, सॉल्यूबल। तो अब दिमाग की बत्ती जलाओ फटाफट, एक्वारेजिया क्या होता था, चलो इसके प्रोडक्ट बताओ क्या होते हैं, 3:1 रेशो था, ये था यहाँ पे देखो,
कि NOCl प्लस Cl प्लस H2O, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये क्या करेगा, ये गोल्ड और प्लेटिनम से रिएक्ट करके इनके सॉल्युबल कंपाउंड बना देगा। सॉल्युबल, तो अगर ये सॉल्युबल कंपाउंड बन गए तो इसलिए ये दोनों के दोनों गोल्ड और प्लेटिनम उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। क्लियर सबको? तो आप बोलेंगे कि गोल्ड और प्लेटिनम किस में डिसॉल्व होते हैं, तो क्या बोलोगे आप, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का कलर मैंने बताया था कल येलो, ऑरेंज येलो टाइप से होता है ये, ठीक। अब HNO3 की रिएक्शन की बात करते हैं अपन, तो HNO3 की रिएक्शन की बात करने के बाद हम इसका एक की पॉइंट बनाते हैं कि अगर कोई भी रिड्यूसिंग आ जाए, एनी रिड्यूसिंग एजेंट प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 हो तो आप क्लियर बोल सकते हो क्या बनेगा, NO2, हाँ है ना। लेकिन अगर डाइल्यूट HNO3 आ जाए, क्या बोला मैंने, डाइल्यूट HNO3, तो कौन सा प्रोडक्ट बनता था, N2O। क्लियर? अब हमने जितने भी तो मेटल पढ़े थे, तो अगर एनी रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें हम, तो मेटल के साथ साथ एक और होते हैं नॉन मेटल्स, क्या होते हैं, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अगर वो नॉन मेटल और मेटलॉइड्स आ गए और कंसंट्रेटेड HNO3 आ गया, तो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, NO2, क्योंकि यहां लिखा ना एनी रिड्यूसिंग एजेंट, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो वो तो NO2 ही बनाएगा। तो अगर आपने नॉन मेटल और मेटलॉइड ले लिया, तब भी कंसंट्रेट HNO3 रिएक्ट करके क्या बनेगा, NO2। अब मैंने आपको पी ब्लॉक के अंदर जब बोरोन पढ़ाया था, तो मैंने बोरोन प्लस क्या लिखा था, कंसंट्रेट HNO3। तो कंसंट्रेटेड HNO3 जब भी रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करके आपका क्या बनाएगा, एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड। एक फॉर्म जो होती है वो हमेशा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक्सेप्ट हैलोजन्स, एक्सेप्ट हैलोजन्स। हैलोजन में जो प्लस फाइव वाला होता है वो एक एसिड होता है, बट जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो प्लस सेवन होती है। तो यहां पर अगर हेलोजन का कोई कंपाउंड देंगे, हेलोजन का कोई रिएक्टेंट होगा, तो जो प्रोडक्ट कंपाउंड होगा वो आपके प्लस फाइव वाला बनेगा, बाकी सब में कौन सा बनेगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, यानी कि एक वाला, ठीक है, क्योंकि प्लस फाइव वाले को एक बोलते हैं, प्लस सेवन वाले का तो नाम होता है पर एसिड। तो बोरोन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 कराओ, क्या बनेगा, H3BO3 प्लस, बोलो, NO2। अच्छा, बोरोन के बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी, कोई भी ले लो आप, जो मर्जी हो, मान लो मैंने कार्बन लिया, कार्बन की कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट कराया, तो एक फॉर्म, इसकी एक फॉर्म होती है H2CO3 प्लस NO2। अब ये H2CO3 टूट जाता है और CO2 प्लस H2O में, यानी आप H2CO3 लिखो या CO2 प्लस H2O लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या बोला बताओ मैंने, चाहे आप CO2 लिखो, चाहे आप H2O लिखो, चाहे H2CO3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। कार्बन के बाद अगर मैं सल्फर की बात करता हूँ कंसंट्रेटेड HNO3 से, तो सल्फर की बात करने पर कंसंट्रेटेड HNO3 से क्या बनेगा, सोचो, एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड, यानी H2SO4 प्लस NO2। फॉस्फोरस से अगर रिएक्शन कराऊंगा कंसंट्रेटेड HNO3 की, तो क्या बनेगा, एक फॉर्म, यानी H3PO4 प्लस NO2। अगर मैं एंटीमनी की रिएक्शन कराऊंगा कंसंट्रेटेड HNO3 से, तो आप बताओ क्या होगा, एंटीमनी की कंसंट्रेटेड HNO3 से करेंगे तो क्या बनेगा, एक फॉर्म, यानी कि एंटीमोनिक एसिड प्लस NO2। अगर मैं H2 हैलोजन की कराऊंगा, तो आप सोचो H2 कंसंट्रेट HNO3 से कराएंगे तो क्या बनेगा, एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड, यानी HXO3 प्लस NO2। यानी अगर I2 लेता हूं, तो I2 लेने पर आपका बनेगा HIO3 प्लस NO2। क्या बनेगा जल्दी बताओ, HIO3 प्लस NO2। कुछ समझ में आया जो मैंने बोला, आया ना?
क्लियर। हाय ना, बोलो, क्लियर सबको। तो ये इस तरह से आप चाहे कोई भी रिएक्शन है फटाफट फटाफट बोल सकते हैं पी ब्लॉक के अंदर। अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फटाफट फटाफट बोलते जाओ, एक फॉर्म ऑफ ऑक्सीएसिड खड़ा खड़ा आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर यहीं पर अपन कंसंट्रेट की जगह डाइल्यूट लेते हैं तो डाइल्यूट HNO3 में आपका क्या बनेगा, एक फॉर्म ऑफ ऑक्सीएसिड, ठीक है। डाइल्यूट HNO3 में इनिशियली कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर मैं हाई टेम्परेचर कर दूंगा कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन मैंने कहा था अगर रिएक्शन नहीं हो रही तो आप टेम्परेचर बढ़ा के रिएक्शन करवा सकते हो। तो अगर मैं यहां टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो रिएक्शन हो जाएगी। तो मैं यहां पर अगर कर दूं हाई टेम्परेचर तो आपके रिएक्शन में क्या होगा, वही एक फॉर्म ऑफ ऑक्सीएसिड प्लस NO। क्लियर, सिंपल है। चलो अब H2SO4 की रिएक्शन की बात कर लें। तो एनी रिड्यूसिंग एजेंट प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 एरो क्या बनेगा, SO2, और वही एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड, ठीक है। अब यहां पर नोट, वही गोल्ड और प्लेटिनम जैसे पहले नहीं कर रहे थे वैसे यहां भी नहीं कर रहे हैं, नो रिएक्शन। गोल्ड और प्लेटिनम की बात करें तो क्या होगा, क्लियर, नो रिएक्शन। तो जल्दी जल्दी बताओ आप, जैसे मान लो मैंने कहा यार सल्फर, सल्फर के पहले अपन लेते हैं कॉपर, कॉपर की अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराऊं तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ। तो आंसर है आपका CuSO4 प्लस SO2। लेकिन अगर डाइल्यूट होता तो डाइल्यूट से रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉपर प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 कोई भी हो अगर तो रिएक्शन होगी आपकी कॉपर सल्फेट प्लस SO2, लेकिन डाइल्यूट होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। अब अगर हम बात करें आगे कॉपर के बाद, अगर मैं बात करूं सिल्वर HG, क्या रिएक्शन होगी, जल्दी बताओ। हाँ, क्योंकि मैंने क्या कहा, बस ये दो नहीं करेंगे बाकी सब कर लेंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, Ag2SO4 प्लस SO2। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपका किसकी, HgSO4 प्लस SO2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं गोल्ड की तो गोल्ड नो रिएक्शन। हाँ, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कार्बन की तो कार्बन प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 एक फॉर्म ऑफ ऑक्सीएसिड को मैंने बताया था CO2 प्लस H2O लिख सकते हैं प्लस SO2। लेकिन मेरा एक डाउट है, अगर मैं सल्फर प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखता हूं तो क्या बनेगा, बताओ। यस, यहां रिएक्ट करेंगे तो सिर्फ SO2 प्लस H2O बनेगा। और अगर मैंने यहां पर NaHSO3 ले लिया और कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया तो क्या बनेगा, नो डाउट सल्फाइड है तो क्या बन जाएगा, सल्फेट प्लस SO2। क्लियर, तो ये आपकी H2SO4 की रिएक्शंस भी कंप्लीट। क्लियर। अब हम पी ब्लॉक के अंदर नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे थे। नाइट्रोजन फैमिली के एक अंदर सबसे बड़ा कंपाउंड आता है जिसका नाम है आपका PH3। तो हम PH3 की बात कर रहे हैं। हम सबसे पहले प्रिपरेशन, अगर हम बात करें कोई भी मेटल सल्फाइड आ जाए और उस मेटल सल्फाइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करवा दें, डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन तो उतनी ही बेटा जितनी अभी पड़ी थी, ठीक है। हाँ, मेटल सल्फाइड की रिएक्शन अगर कराएं तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ -3 आएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। चलो रिएक्शन में बताओ कौन किसके साथ जाएगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा MOH प्लस, ये P और H अब ये करेगा तो क्या बनाएगा, PH3। क्या बनाएगा, PH3। क्लियर, ये जो PH3 है इसी का नाम है फॉस्फीन। क्या नाम है इसका, फॉस्फीन। क्या नाम है बताओ, फॉस्फीन। अब आगे बढ़ते हैं, अगर मैं मान लो यहां पर क्या लेता हूं,
मेटल फॉस्फाइड लिया, इससे बना फॉस्फीन। अब अगर मैं पी फोर की रिएक्शन एनओ से करा दूं कोल्ड और डाइल्यूट, तो रिएक्शन में एन ए एन ए एच टू पी ओ टू सोडियम हाइपोफॉस्फाइड ये बनेगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो प्लस वन आएगी और इसकी माइनस थ्री आएगी। ये रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है, ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बताओ? डिसप्रोपोर्शनेशन का। किसका? डिसप्रोपोर्शनेशन का। और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अभी हम आगे फिर पढ़ेंगे 17th ग्रुप में, मैं आपको पूरी एक साथ ही बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका पी एच थ्री बन गई। अब पी एच थ्री को लैब में कैसे बनाया जाता है, ठीक है, देखो जरा। पी फोर की अभी हमने पढ़ा कि एनओएच से रिएक्शन होती है, तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड और पी एच थ्री बनता है। तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड और पी एच थ्री जो बना, वो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड और पी एच थ्री जो बना, उस पी एच थ्री की बात कर रहे हैं अपन। तो पी एच थ्री एक गैस है, वो उड़ेगी ऊपर, देखो पानी में से बबल 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 करती है, ऊपर जा रही है, ऊपर जाती है, और जैसे ही ऊपर जाती है तो वहां पर थोड़ी थोड़ी आग लगने लगती है, क्योंकि पी एच थ्री जो होती है वो क्या बोला बता मैंने, पी एच थ्री जो होती है वो हाईली इनफ्लेमेबल होती है। इनफ्लेमेबल बोलो या फ्लेमेबल बोलो, उसका मीनिंग होता है ज्वलनशील। क्या बोला मैंने बताओ, फ्लेमेबल होती है या इनफ्लेमेबल, कुछ भी बोलो, इसका मतलब ज्वलनशील, यानी एयर के कॉन्टेक्ट में आके वो जलने लगेगी। लेकिन नॉन फ्लेमेबल लिखा हो तो इसका मतलब होता है अज्वलनशील, यानी वो जलेगी नहीं। ध्यान रखना, फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल एक ही बात है, नॉन फ्लेमेबल अलग होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जलेगी, जल के ऊपर जाएगी तो एक धुएं जैसी रिंग बनेगी, व्हाइट कलर की रिंग बनना शुरू होती है। इनको कहा जाता है वोर्टेक्स रिंग। क्या कहते हैं इनको? वोर्टेक्स रिंग। और ये वोर्टेक्स रिंग एक्चुअली व्हाइट फ्यूम्स ऑफ P2O5 या P4O10 की होती है। क्या बोला जल्दी बताओ? ये वोर्टेक्स रिंग जो होती है वो बोलो व्हाइट फ्यूम्स होती है, किसकी? P2O5 या इसकी PH3। प्योर PH3 की बात करें अगर तो वो आपके नॉन इनफ्लेमेबल होती है। क्या होती है? नॉन इनफ्लेमेबल, क्लियर। लेकिन अगर इम्प्योर PH3 है तो वो क्या होती है बोलो? इनफ्लेमेबल ड्यू टू देखो इंप्योर PH3। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, आता है एग्जाम में। ये जो इंप्योर PH3 होती है वो इनफ्लेमेबल होती है ड्यू टू P2H4 एंड P4 वेपर। क्या बोला जल्दी बताओ? इम्प्योर PH3 इनफ्लेमेबल होती है ड्यू टू P2H4 एंड P4 वेपर। तो ये क्या हो गई जल्दी बताओ? इम्प्योर अगर हुई तो जलेगी। ये लैब में जो बन रही है वो प्योर बन रही है कि इम्प्योर? ऑब्वियस सी बात है कि आपने कोई सेपरेशन प्योर तो किया नहीं है, तो इम्प्योर ही बनेगी कहीं भी तो वो इम्प्योर बन रही है और वो उड़ रही है, ठीक है। और अगर वो उड़ रही है तो इसका मतलब क्या निकल रहा है तो ये उड़ रही है और उड़ करके जल रही है, जल रही है इसलिए धुआं उठ रहा है, धुआं उठ रहा है इसका नाम है वोर्टेक्स रिंग। तो अब अगर लैब में आप ऐसे बनाओगे तो लैब में ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए हम इसको लैब में कैसे बनाते हैं देखना।
प्योर PH3 बनाने का एक तरीका, क्या वाला जल्दी बताओ, मैंने प्योर PH3 बनाने का तरीका। यहाँ से देखते हैं अपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, IT में आता है ये, ध्यान से सुनना इधर फटाफट। हाँ मैंने कहा था कि जब P4 बनेगा तो P4 की रिएक्शन NH से करेंगे तो PH3 बनेगा, और PH3 जब वाटर में उड़ेगा तो वो ज्वलनशील होगा, जलने लग जाएगा। तो इसको लैब में कैसे बनाया जाता है वो बता रहा था मैं। तो अब हम क्या करते हैं कि जब P4 प्लस NH की रिएक्शन कराते हैं, तो P4 प्लस NH की रिएक्शन कराने पर हम इस बार क्या कर रहे हैं कि इस पाइप को आइस में से पास करते हैं, और आइस में से पास करते हुए इसे HI में ले जा रहे हैं। अब रिएक्शन जब होगी तो होगा क्या, जरा देखना, ठीक है। तो यहां देखो अब क्या होगा कि P4 प्लस NH की जब रिएक्शन होगी, ठीक है, PH3 बनेगी। ये PH3 किस किस के साथ बन रही है, P2H4 और P4 वेपर के साथ, हाँ ना। अब यहां से जब ये जाएगी तो यहां आते 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 ये P2H4 और ये कंडेंस क्या हो जाएंगे, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया तो उस कंडीशन में आप देखो क्या होना शुरू होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया तो उस कंडीशन में यहां पर ये P2H4 यहीं रह जाएगा लिक्विड फॉर्म में, P4 वेपर भी यहीं रह जाएगी लिक्विड फॉर्म में। अब यहां से सिर्फ प्योर PH3 जाएगी और ये प्योर PH3 इसमें आएगी। अब ये प्योर PH3 इस HI से रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करके बनाएगी PH4I सॉलिड, ऑरेंज क्रिस्टल है, इसको बाहर निकाल लेंगे। अब मैंने ये कहा था कि अगर P4 प्लस NOH की रिएक्शन होगी तो P4 प्लस NOH से PH3 बनेगी, उस PH3 के अंदर ये और ये आपके इंप्योरिटी होगी P2H4 और P4 वेपर की। तो हमने इसको चेंज किया, हमने कहा इसको पहले पास करेंगे आइस में से और फिर ले जाएंगे HI में। अब क्या होगा कि जब यहाँ से PH3 बनेगी तो PH3 के साथ साथ P2H4 और P4 वेपर है, यहाँ पर आइस लगा हुआ है तो इसका कंडेंसेशन हो जाएगा और ये यहीं रह जाएगा, ठीक है, पक्का। तो कंडेंसेशन हो गया इसलिए यहाँ पर ये P2H4 P4 वेपर रह गया, तो यहाँ से अब PH3 जाएगी और ये PH3 इस HI से रिएक्ट करके PH4I बनाएगी, ऑरेंज रेड क्रिस्टल। अब इस PH4I को अगर आप ध्यान से देखें, ये PH4I जो बन रहा है, इस PH4I को KOH से ट्रीट कराते हैं। अब ये PH4I किस किस से मिलकर बना है, PH3 प्लस HI से मिलकर बना है, किस से मिलकर बना है बताओ, PH3 प्लस HI से, किस से मिलकर बना है, PH3 प्लस HI, तो PH3 प्लस HI से मिलकर बना है। और ये बेस है, इनमें से बेस कौन सा, ये क्या बेस से रिएक्ट करेगा, नहीं, किससे करेगा, एसिड से, तो वो HI से रिएक्ट कर लेगा और HI से रिएक्ट करके क्या बना देगा, अभी KI प्लस क्या बचेगा, PH3, और ये PH3 क्या होगा, प्योर। तो इस तरह से आप प्योर PH3 प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे प्राप्त, आप समझ में आया कुछ, ये प्योर PH3 है, ठीक, इससे अब आग नहीं लग सकती। ठीक, अब इधर देखो,
अगर हम एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का हाइड्रोलिसिस कराएं तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखो ये PH3-3 है, पानी डाइल्यूट H2SO4 लेंगे तो पानी भी होगा इसमें, तो पानी जब रिएक्ट करेगा तो पानी इससे OH से रिएक्ट करेगा, पानी अगर इसके OH से रिएक्ट करेगा और वो हाइड्रोक्साइड फिर सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो L2SO4 आ जाएगा प्लस साथ में क्या बनेगा PH3। ये PH3 भी प्योर होगा। अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड के हाइड्रोलिसिस से भी जो PH3 बनती है वो प्योर PH3 होती है। अब PH3 की बात करें तो आपको पता ही है PH3 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होता है, बताओ जल्दी से फटाफट जल्दी। SP3 सही है, गलत आंसर है, नो हाइब्रिडाइजेशन। नो हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू ड्रेगोज रूल, भूल गए सब आप। ये ड्रेगोज रूल के अंदर पढ़ाया था अपन ने कि PH3 में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता और PH3 का जो लोन पेयर है वो हमेशा किस में रहेगा, एस ऑर्बिटल में। अगर वो एस ऑर्बिटल में रहेगा तो इसका मतलब एस का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा न्यूक्लियस का एस पर, तो इस लोन पेयर पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा तो ये आसानी से लोन पेयर नहीं डोनेट कर पाएगा। अगर ये आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा तो ये क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड। क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड, क्लियर। अच्छा, PH3 जो होता है इसीलिए पानी में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड अगर लेंगे तो उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। PH3 की रॉटन फिश स्मेल होती है, सड़ी हुई मछली जैसी, रॉटन फिश स्मेल, सड़ी हुई मछली जैसी। अब PH3 का जो यूज़ होता है ना वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, अब वो क्या है जरा देखना। पहले के ज़माने में क्या होता था, जैसे आजकल तो एरोप्लेन हेलीकॉप्टर्स वगैरह सब होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन पहले के ज़माने में सिर्फ पानी के जहाज़ हुआ करते थे, पानी के जो जहाज़ होते थे वही एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर के जाते थे, क्लियर। लेकिन जब सामान और कई बहुत सारा सामान होता था, खाने पीने का चीज़ें बहुत सारी, तो जब वो जा रहे होते थे तो उस कंडीशन में क्या होता था, कोई भी रात में अगर आइलैंड आ गया तो उस आइलैंड से वो टकरा जाते थे और टकरा करके सारा का सारा पानी, समझ गए आपको, पूरा का पूरा शिप में भर गया और वो खराब हो गया सामान और शिप डूब गया, तो इससे काफ़ी सारा नुकसान हो जाता था क्योंकि कई महीनों की यात्रा के बाद वो सामान लाया जाता था, ठीक। तो उस जमाने में क्या किया गया कि एक आदमी को उस आइलैंड पर बिठा देते थे और उस आदमी को एक कंटेनर देते थे जिस कंटेनर में छोटे छोटे छेद होते थे और उस कंटेनर में कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड क्या बोला मैंने कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम सॉरी कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड इनका मिक्सर भर दिया जाता था। अब इनका जो मिक्सर भरते थे उस कंटेनर में और कंटेनर में छोटे छोटे छेद कर दिए गए हैं, अब उस कंटेनर को उस आदमी को देके आइलैंड पर बिठा दिया, अब आइलैंड पर बिठा दिया और शिप आया तो शिप की आवाज सुनते ही वो उस आदमी का काम होता था वो कंटेनर जोर से फेंकेगा पानी के अंदर, तो जब वो कंटेनर पानी के अंदर जाएगा तो पानी उस कंटेनर में आना शुरू होगा क्योंकि छोटे छोटे छेद हो रहे थे कंटेनर में, पानी अंदर आएगा तो ये हाइड्रोलाइज होगा कि नहीं होगा इससे, और ये हाइड्रोलाइज होकर के क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस PH3, और ये बनाएगा आपका कैल्शियम, बोलो इसका बताओ, हाइड्रोक्साइड प्लस, मैंने आपको कार्बाइड पढ़ाया था याद हो तो, मैंने इसका की पॉइंट भी दिया था, दो कार्बन है तो दो कार्बन वाली गैस बनेगी, क्या बताया था की पॉइंट, दो कार्बन है तो दो कार्बन वाली गैस बनेगी, आप पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं उसके अंदर कार्बाइड पढ़ाया था उसका की पॉइंट भी बताया था, तो उसी की पॉइंट से प्रोडक्ट बना ये वाला, फील ही नहीं आ रही यार आपको, फील ही नहीं आ रही। अब ये PH3 बना पानी में, अब सोचो PH3 पानी से बाहर निकलेगा तो आग लगेगी नहीं लगेगी, क्योंकि अभी बताया था ये तो कि इम्प्योर PH3 जो होती है वो क्या होती है, हाँ वेरी गुड, नॉन
या इन बताओ इनफ्लेमेबल, तो आग लग जाएगी, और अगर आग लगेगी तो वहां पर आपके पानी के ऊपर कुछ कुछ आग जैसा दिखाई देगा, ठीक है। फिर एसिटिलीन जो होती है उस आग को ब्राइट और ल्यूमिनस बना देती है, जिससे कि वो एक सिग्नल की तरह दिखाई देता है, और वो सिग्नल एक साइंटिस्ट ने कहा था, ये सब साइंटिस्ट ने बताया था, इसीलिए उसको कहते हैं बल होम्स सिग्नल। होम सिग्नल जो होता है उसका जो कंपाउंड, मतलब जो मिक्सर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड। क्लियर सबको? दोबारा से समझेंगे, ये मिक्सर होगा, कंटेनर होगा, उस कंटेनर में छोटे छोटे छेद हैं, शिप आया, उस आदमी ने वो कंटेनर पानी में फेंक दिया, पानी में फेंकते ही क्या हुआ, पानी में फेंकते ही उस पानी अंदर गया कंटेनर में, ये हाइड्रोलाइज्ड हुए बना PH3, ये हाइड्रोलाइज्ड हुआ बना एसिटिलीन। PH3 ज्वलनशील था, वो जैसे ही ऊपर गया पानी से तो आग लग गई, पानी में आग जैसा कुछ दिखने लगा, फिर एसिटिलीन ने उसे ब्राइट और ल्यूमिनस बना दिया, ब्राइट और ल्यूमिनस बनने से वो दूर से दिखाई देने लग गया, तो यानी वो सिग्नल की तरह ट्रीट हुआ, वो सिग्नल होम सिग्नल कहलाता है। क्लियर? इसी तरह से इस मिक्सर का उपयोग स्मोक स्क्रीन में भी करते हैं। कभी आपने फौजियों की फिल्में देखी होंगी तो उसके अंदर एक स्टेटमेंट आता है कि कवर फायर दो। कवर फायर के अंदर क्या होता है कि वो एक ऐसे कुछ बम होता है, उसको खोलते हैं तो चारों तरफ वाइट वाइट धुआं हो जाता है और फिर वो फौजी बाहर निकल जाते हैं उसमें से, ठीक है। तो अब आप दिमाग लगाओ कि जब वो आपके ऐसे करके उसने बम निकाला, तो बम निकालते चारों तरफ जो धुआं फैला वो धुआं वही है मिक्सर, ठीक है, स्मोक स्क्रीन। तो आपसे पूछेगा होम सिग्नल का जो मिक्सर है वो कौन सा है, तो आप बता देंगे, और अगर आपसे पूछे स्मोक स्क्रीन कौन है तो बता देंगे। क्लियर आया ना, बोलो, सिंपल है। तो ये आपका, जल्दी बताओ क्या हुआ, PH3। तो PH3 की जो बात चल रही थी, अब वो PH3 पानी में क्या थी, इनसॉल्युबल, रोटेन फिश स्मेल, क्या थी, रोटेन फिश स्मेल। चलिए, तो आज का टॉपिक हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वही 15th ग्रुप नाइट्रोजन होगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप इस लेक्चर को पूरा याद करके आएँ, ढंग से याद करके आएँ प्लीज़, ठीक है। आप क्या करते हैं ना, बिना याद करे अगर आप बैठेंगे तो आप कुछ भी पूछते रहेंगे, ये बता दो वो बता दो, ये बता दो वो बता दो, तो उससे हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन तकलीफ समझ रहे हैं आप, तकलीफ सिर्फ एक चीज़ की है, वो ये है कि आपका रैंक आना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी रैंक, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करिए।